नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी के खास पेशकश में और मैं हूं भावना गौड़ आपके साथ। 14 सितंबर 1949 का दिन जब हिंदी भाषा को संवैधानिक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, हिंदुस्तान के लिए ये दिन किसी गौरव से कम नहीं था। इसीलिए 14 सितंबर को हम मनाते आ रहे हैं हिंदी दिवस। लेकिन क्या सही मायने में हम हिंदी भाषा के महत्व को समझते हैं? पेश है एक खास रिपोर्ट। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है, इसीलिए 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। हमारी राष्ट्रभाषा होने के साथ ही हिंदी भारत देश का गौरव भी है, जिसकी प्रोन्नति करने के लिए इस दिन देश में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कॉलेजों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जिससे हमारी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। लेकिन क्या वाकई आजकल हिंदी का उतना महत्व है जितना पहले था? शायद नहीं। इसीलिए हिंदी सिनेमा हो या फिर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, कॉमर्शियल सेक्टर हो या कहीं जॉब साक्षात्कार की बात हो, तो सवाल किया जाता है कि पहले इंग्लिश आती है या फिर नहीं। क्यों फिर भारत में हर जगह हिंदी के बजाय इंग्लिश को इतना तवज्जो दिया जाता है? क्यों लोगों में भेदभाव किया जाता है? क्यों हिंदुस्तान में भाषा के आधार पर लोगों का स्तर आंका जाता है? देश में हिंदी दिवस भले ही मनाया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी अपना महत्व खोती जा रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा को हमें किसी और भाषा के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए और ना ही भाषा के स्तर पर किसी को आंकना चाहिए। पीएम मोदी। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जिन्होंने एक महान नेता के तौर पर हिंदी भाषा का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिया। यहाँ तक कि कई बार मोदी विदेशों में हिंदी में भाषण देते नजर आते हैं। फॉर फार ईस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुदृढ़ करता है। इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब 2 गुना है। इसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है। इसके अलावा मोदी संसद में भी हिंदी में संबोधन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हिंदी नहीं आती, बल्कि इसीलिए क्योंकि मोदी भारत की राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हैं, इसीलिए मोदी हिंदी के माध्यम से देश का गौरव कम नहीं होने देते। कंगना रनौत। ऐसी ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत, जब फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा तब उन्हें इंग्लिश तक नहीं आती थी। बॉलीवुड में उनका मजाक तक बनाया जाता था, लेकिन कंगना ने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग और मेहनत से इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, बल्कि इंग्लिश भी सीखी। कंगना को अपने बेहतर अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। कंगना एक के बाद एक हिट देती रही है, इसीलिए अपने फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना चुकी है। साथ ही युवाओं के लिए फैशन आइकन भी बन चुकी है कंगना। कंगना ने ये साबित किया है कि किसी भी इंसान को उसकी भाषा के आधार पर ना आंका जाए। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा बॉलीवुड में अपनी हास्य कला और दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कपिल शर्मा को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इससे उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से अपने शो को हिट करवाया। इससे कपिल अपने फैंस का भरपूर मनोरंजन करते हैं, जिससे कपिल की फैंस फॉलोइंग हमेशा बढ़ती रही है। कपिल ने ये साबित किया है कि टैलेंट किसी का मोहताज नहीं है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।